कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मंगलवार को भारतीय कुश्ती खिलाड़ी और पहलवान विनेश फोगाट को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मिली जीत पर बधाई दी। प्रियंका गांधी ने कहा, शाबाश विनेश फोगाट, मैं जानती हूं कि यह आपके लिए सिर्फ ओलंपिक का कठिन मुकाबला भर नहीं है, आपने दुनिया की नंबर वन खिलाड़ी को तो हराया ही, यह मैदान के भीतर और बाहर आपके संघर्षों की भी जीत है। आज पूरी दुनिया आपके हाथों में लहराता हुआ तिरंगा देख रही है, आप इस देश का गौरव हैं और हमेशा रहेंगी। खूब शुभकामनाएँ, जय हो विजय हो। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में महिला 50 किलोग्राम कुश्ती के क्वार्टर फाइनल मैच में यूक्रेन की ओसाना लिवाच को हराकर अंतिम चार में जगह पक्की की। शुरुआती दौर में जापान की यूए युशुशाकी को 3-2 में हराकर बड़ा उलटफेर करने वाली विनेश ने 8वीं वरीयता प्राप्त पहलवान को 7-5 से शिकस्त दी। अपना तीसरा ओलंपिक खेल रही 29 साल की विनेश अब पदक से एक जीत दूर है। उनका सेमीफाइनल मुकाबला आज रात को खेला जाएगा, जिसमें उनके सामने क्यूबा की यूस्त्रेलिस गुजमैन लोपेस की चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24x7 लाइव टीवी। क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए। लड़की बच्चियां हैं, बच्चे हम सबकी बच्चियां हैं। और मतलब और क्या कह रहे, ये कह रहे हैं ना कि हमारी 2024 का इलेक्शन है। अब भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं, इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना, हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं, बात टालने का काम होता है कमेटियां। हम कमेटी बना रहे हैं, आप कमेटी के साथ बात कर लो आपका, और फिर बात खत्म। यही चाहती है ना सरकार, क्यों क्यों। चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गाँव में देखिए, चाहे कहीं पे भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर FIR दर्ज नहीं होता, FIR दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों में इतना दम है, इतना आत्मविश्वास है और इतनी करेज है, ब्रेवरी है कि ये लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। तो पूरा पूरा देश, मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहचाने नहीं पहचाने, इनके मंत्री पहचाने नहीं पहचाने, इनकी सरकार पहचाने नहीं पहचाने, पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश। और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए।